गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुवाहाटी। सभी गुवाहाटी को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। तो टुडे आई एम गोइंग टू द मैनचेस्टर ऑफ असम, शुवालकुसी। शुवालकुसी लोग जो एक्सपेंसिव जो भी सिल्क कपड़े पहनते हैं असम में, तो ये सब का मैन्युफैक्चरिंग होता है शुवालकुसी में। तो शुवालकुसी इज अराउंड 35 to 38 किलोमीटर्स दूर है गुवाहाटी से। तो मैं अभी निकलूँगा, प्रोबेबली 1.5-2 आवर्स में मैं पहुँच जाऊँगा मैक्सिमम। और आज और एक इमोशनल डे है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज हम लोग अलग अलग हो रहे हैं। तो टुडे अनबु इज गोइंग टू मेघालय, आई एम मूविंग in a different direction, and Naveen is going to Bagdogra, then he'll move to Delhi and he'll go back to his hometown. So quite emotional moment hai hum logo ke liye, kyunki last 1.5 mahine se hum log ek sath travel kar rahe hain. But we were starting this video एज़ यूजल, आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। इनिशियली दिस वॉज माई प्लान, जोरहाट टू मेघालय। आई वॉन्टेड टू राइड फ्रॉम जोरहाट टू शिलोंग, दैन माइलोंग विलेज, दैन दौकी बांग्लादेश बॉर्डर, बट माई प्लान हैज़ गॉट चेंज। सो नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस पोस्टर to my co-driver. Okay. Now he's doing it. He will go to Meghalaya. What if we started from Jorhat only? So good, now stay. He's going to complete this. So his initial target is Shillong, and he will cover entire northeast from Meghalaya to Tripura, Tripura to Mizoram, Mizoram to Manipur, Manipur to Nagaland, Nagaland to Arunachal Pradesh. So he is going to cover all the 7 states. Okay. Thank you, brother. This is for me, for your memory. So for your memory. Meghalaya. Yes. Yeah. So you'll have to keep it. Yes, brother. Okay. Bye. Wish you all the best. Thank you, brother. Thank you. Goodbye to you. So we have been traveling for last 1.5 months almost. We started from Mazuli, Sivasagar, then Jukko Valley, then Kaziranga, Tezpur, Naugaon, Morigaon, Pobitora, Chanaka, Guwahati. So Guwahati was the last point, and so abhi hum log alag alag ho rahe hain because he is going to Delhi, then Coimbatore. Say goodbye. So I have been traveling with him for last 25 days, 24 days, say 1 month. Right. So I'll miss both of you and wish you all the best. Thank you so much. And first you'll just complete the 7 sisters. Okay. Then we'll make some new plan. Okay. First we'll set some new benchmark for us. Then we'll break our own benchmark. That is the life is all about, right? So wish you all the best. Yeah? Thank you, sir. And see you soon. Sure. बहुत अच्छा लगा, इन लोगों ने बहुत अच्छा केयर लिया हम लोगों को, बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया इन लोगों ने, एंड ये बहुत अच्छा खाना बनाया था कल रात को, जो ट्रीट दिया था चिकन। एक्चुअली अभी भी ये खाना मिस करूँगा मैं, और ये खाने के लिए तो पक्का आऊँगा गुवाहाटी। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो हम लोग मिलते रहेंगे, फ़ोन नंबर है, बात करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय। ये डॉक्टर भूपेन हजारिका समान। मैं पहुंच गया हूं अभी सरायघाट ब्रिज। तो ये ब्रिज पे फर्स्ट टाइम मैं आया हूं। आप लोगों ने बैटल ऑफ सरायघाट सुना होगा, जब मुगल ने अहोम को अटैक किया था, तो यही था
यहाँ पे ही युद्ध हुआ था बिटवीन अहोम एंड मुगल, और जहाँ पे अहोम को एक डिसाइसिव विक्ट्री मिला था ये बैटल में, और मुगल कटु वार्ड लगा दी थी। और वो बैटल में जो अपना चीफ कमांडेंट था वो था और नेशनल हीरो लचित बरफुकन। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, एंट्रेंस गेट पहुंच गया हूँ, 12 कुशी ये एंट्रेंस गेट है और यहाँ से 12 कुशी स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मिला मैं एक लोकल बॉय हिमांक का, तो ये मेरे को दिखाएगा 12 कुशी सिल्क, यहाँ पे जो सिल्क इंडस्ट्री है वो। आगे चलते हैं हम लोग। लेफ्ट राइट दोनों साइड में सिर्फ सिल्क शोरूम है। शोरूम स्टार्ट हो जाता है सिल्क का लाइफ, पूरा गली है ये, मतलब ये एक छोटा सा फैक्ट्री है सिल्क का। देखो ये साइकिल का फ्रेम था क्या? हाँ देखो ये साइकिल का फ्रेम को मतलब क्या बना रहे हैं इन लोगों ने, कैसे यूटिलाइज किया है। यहाँ पे अभी बन रहा है सिल्क, एक सेट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है भैया? एक पूरा मेखला चादर 5 दिन में बन जाते हैं। अगर डिजाइन कम होगा तो 5 दिन में हो जाते हैं, अगर डिजाइन ज्यादा है तो 5 दिन से भी ज्यादा लगता है। ये मेखला सरल बन रहा है। ओके मैं आया था, अभी ये सिल्कालय है। ये सिल्कालय का 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन लोगों का शोरूम है, और हर एक शोरूम में अलग अलग टाइप की ड्रेस मटेरियल है। अलग के शोरूम में हैं हम लोग, और ये भैया अभी समझाएंगे कि यहाँ पे जो भी सिल्क का क्वालिटीज़ होता है तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट? तो चार टाइप की क्वालिटीज़ होती है, और ये है तसर एंड मुगा सिल्क, चार क्वालिटी। मलबरी सिल्क, तसर सिल्क, एरी सिल्क एंड मुगा सिल्क। सारा सिल्क असम सिल्क के अंदर रहता है। असम सिल्क के अंदर जो मतलब यहाँ पे बनता है, यहाँ पे 12 कुशी में जो बनता है, ये 4 टाइप्स के सिल्क है। हाँ सिल्क, राइट? ठीक है। तो ये जो मलबरी सिल्क से क्या क्या बनती है? मेखला चादर बनती है, साड़ी भी बनती है, कुर्ता बनता है। ओके कुर्ता कुर्ता भी बनता है। ओके प्लेन भी मिलेगा आपको, डिजाइन में भी मिलेगा, 3 पीस मेखला चादर भी मिलेगा साड़ी। ओके और ये तसर जो है, तसर का साड़ी मिलेगा, मेखला सदर मिलेगा, कोटा मिलेगा। सेम मतलब ये जो चार टाइप के सिल्क नहीं नहीं एरी का ये सब नहीं बनता है, एरी का सॉल होता है, सिर्फ सॉल आता है, एरी सॉल जो है सॉल वास्कोट बना सकते हैं। मतलब जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि वार्म क्लॉथ, मतलब इंटर क्लॉथ जो है वो एरी सिल्क से बनता है।
और जो मुगा सिल्क है, मुगा सिल्क का आपका थ्री पीस मैक्ला सदर मिलेगा, सारे में मिलेगा, एक्सेप्शंस होता है, मतलब कॉस्टली होता है सबसे कॉस्टली होता है। इन तीनों में से सबसे एक्सपेंसिव कौन सा है? मुगा सिल्क। ओके, और सबसे जो महंगा वाला है वो कितना है आप लोगों के यहाँ पे? 1,00,000 रुपए तक एक मैखला चादर। साड़ी वो साड़ी किसका है? मुगा मुगा का, मुगा साड़ी, तो 1,00,000 रुपए का है। 1,00,000 रुपए वो मैं देखना चाहूँगा एक बार यहाँ पे भी है। ठीक है, लोगो यहाँ पे अभी अलग अलग टाइप की मेटेरियल है। मैखला चादर है ये सब? मैखला चादर ये सब साड़ी है? सब साड़ी है। ओके, सब साड़ी है। ये मलबारी सिल्क का है साड़ी? ये मलबारी सिल्क, ये भी मलबारी सिल्क है, लेकिन ये सब वर्क जो है ये जरी वर्क। ओके, ये गोल्डन जरी, सिल्वर जरी। ये तसर सिल्क का साड़ी, तसर का साड़ी। ओके, ये भी तसर, ये है मुगा जो आसाम का सोना मानते हैं। ये आसाम का सोना, आसाम का सबसे कॉस्टली चीज होता है। ओके, ये सबसे एक्सपेंसिव है। ओके, एंड दिस वन कॉस्ट 100,000, 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपीज साड़ी। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो आइटम है तो 6 महीने में एक बार बनता है, मतलब। थैंक यू सो मच आप लोगों ने दिखाया, और यही देखने के लिए एक्चुअली मैं आया था, जो मेरे को एक्चुअली फैक्ट्री देखना है। अगर आसपास और कोई फैक्ट्री है आप बता दो, मैं एक बार विजिट कर लूँगा, मतलब जो जहाँ पे बहुत सारा लूम है। ओके, लेबर लोग सब घर चला जाता है, वो बाहर से आता है लेबर अलग डिस्ट्रिक्ट से, वो लोग पूजा में जाते हैं और बिहू में खाते हैं। अच्छा अच्छा, मिनिमम 15 दिन तक वो लोग नहीं लौटते। ओके, फाइन फाइन, ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों ने दिखाया। तो यहाँ पे ये जो सिल्क साड़ी है, अलग अलग टाइप की है, पूरा ये सिल्क साड़ी से बना हुआ है। ऊपर वाला जो है मुगा सिल्क, अलग अलग टाइप की डिजाइन है। ये मालवाड़ी सिल्क है, इसका और एक नाम है पात सिल्क। पात सिल्क, ओके, पात सिल्क। और ये सेम, ये भी पात सिल्क, मालवाड़ी सिल्क, मतलब पात सिल्क। पात सिल्क, और ये मालवाड़ी। मेरा स्वेलकुसी का विज़िट कंप्लीट हो गया, अभी आई एम मूविंग टू नलवरी। मैं हाजू होके जाऊंगा, हाजू में एक जगह है पुआ मक्का, तो अगर टाइम होगा तो पुआ मक्का में मैं जाऊंगा, नहीं तो डायरेक्ट हाजू देन नलवरी। देन मेरा जो डेस्टिनेशन है सरथेबाड़ी। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैं पहुंचा हूँ पुआ मक्का, ये पोमक्का का गेट है, बट पोमक्का यहाँ से जाने के लिए और आप जाना पड़ेगा अराउंड 3 किलोमीटर। अभी 2:30 बज गया है और मेरे पास 2.5 घंटा बचा हुआ है। मेरे को यहाँ से नलवाड़ी जाना है, फिर नलवाड़ी से सरथेबाड़ी 25 किलोमीटर्स, मतलब अराउंड मेरा 45 किलोमीटर्स ट्रैवल बाकी है। तो इसके लिए मैं ये पोमक्का विजिट में स्किप कर रहा हूँ यहाँ से। भाई मैं चाय के लिए रुका यहाँ पे मटका चाय मिलता है, तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है। एंड ओके, यहाँ पे चाय की अलग अलग 16 वैरायटीज है। मटका मसाला टी, मटका केसर टी, मटका चॉकलेट टी, मटका यूनिक स्पेशल चॉकलेट टी, कोकोनट टी,
मतलब टोटल देर आर 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी इंक्लूडिंग तुलसी टी एंड पुदीना टी. और ये इसका सेटअप बहुत सही लगा. और मैंने ये खाया था दादा, ये क्या था? ये मिल्क गजा. एंड इट वाज सो टेस्टी, बहुत सॉफ्ट था, काफ़ी अच्छा लगा. और इन्होंने मेरे को चाय ऑफर किया एक्चुअली. थैंक यू सो मच दादा. थैंक यू. तो मैं नलबारी पहुंच गया और होटल भी ले लिया. अभी ये होटल है, साइकिल रूम तक लेके आया हूँ मैं, साइकिल यहाँ पे रख दिया. नाउ आई एम फीलिंग सो स्लीपी, आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट.